हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट ऑनलाइन क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक बोया का माइक जो मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है, तो ये मैंने बहुत दिन पहले ही ऑर्डर दिया था इसको। ठीक है, तो ये आ भी गया था मेरे पास, 9 से 10 दिन हो गया, बहुत गर्म है यहाँ पर, 9 से 10 दिन हो गया था तो ये आ गया था। तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि मेरा मासी का लड़का का शादी था, तो इस वजह से मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर नहीं पाया। ठीक है, अनबॉक्सिंग का जो वीडियो होता है बना नहीं पाया। ठीक है, तो आज ही मैंने घर में आया है सुबह को, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर निकल जाएंगे बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो मैं सोचा इससे जो टाइम जो बचा है मेरे पास, तो इसी टाइम पे एक 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग को देखना है। ठीक है, मैं इस बोया का माइक को एक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। और ये जो बोया का माइक है, ये मैं भी हाथ में नहीं ले पाया था, मेरा दोस्त को मैंने बोला था कि लेने के लिए, क्योंकि मैं तो खुद बाहर था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने दोस्त को बोला, दोस्त को लेने के लिए, तो दोस्त इसको लिया है पर वो खोल दिया है इसको। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा अनबॉक्सिंग थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना भी हो मेरी तरफ मैं उतना ही आप लोग को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये है वो माइक, यह है वो बॉक्स। ठीक है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया था। ठीक है, तो इसको ही मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो तो सील तो ऑलरेडी खोल दिया है, तो मैंने तो नहीं खोला, तो मैं इसे कोई आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। मेरे पास बोया का माइक जो पहले भी था, तो वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, तो इसी वजह से मुझे ये हेडफोन से वीडियो बनाना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसी वजह से एक मैंने ऑर्डर भी दे भी दिया, तो इसको मैं खोल भी रहा हूँ। ठीक है, इसका जो सील होता है इसका, तो ये खोल दिया है, ठीक है, काट दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको खोल रहा हूँ। इसका अंदर एक बॉक्स है, एक स्लिप है, पहले एक स्लिप है इसके अंदर। ठीक है, ये एक स्लिप है जिसमें प्राइस लिखा है, ये मुझे 796 रुपीज़ पड़ा है, 800 रुपये का। ठीक है, तो ये स्लिप दिखाने की आप लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान नहीं मंगाता। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये एक स्लिप एक देता है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये जो बोया का जो माइक का जो बॉक्स होता है ये है। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल रख देता हूँ, और इसके पीछे इस तरह का कुछ लिखा है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो यह बोया का जो बॉक्स है, इसको मैं खोलता हूँ अभी। तो इस तरह से इसको खोलना है, इसको इस तरह से इसको यहाँ से हटाना है, और इसको इस तरह से उठा देना है। ठीक है, बहुत गर्म है, तो ये मैंने खोल दिया। तो खोलने के बाद ही इस तरह का एक ब्लैक कलर का एक आप लोग को बैग मिलेगा। ठीक है, ये लेदर का बहुत ही अच्छा एक बैग है, इसके अंदर ही माइक है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर ही है, तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। फिलहाल अभी इसके अंदर और क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुक है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसको भी अभी मैं फिलहाल साइड में रख देता हूँ, इस बॉक्स को। दो चीज़ें यहाँ पर, एक यहाँ पर यह है आपका वारंटी कार्ड। ठीक है, ये वारंटी कार्ड है, तो इसको भी मैं फिलहाल यहाँ पर हटा देता हूँ। और ये बुक है, इसको किस तरह से सेट करना पड़ता है, किस तरह से लगाना पड़ता है, सब कुछ इस बुक में लिखा है, तो इसको मुझे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले था, मुझे पता है इसको किस तरह से सेट करना है। ठीक है, तो ये बुक भी मैं साइड में रख देता हूँ, और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से सेट करना है। ठीक है, इस वीडियो का साउंड शायद थोड़ा सा ख़राब होगा, थोड़ा सा कम आएगा साउंड। ठीक है, तो आप लोग को एंड तक देखना है वीडियो को। तो ये है वो, ठीक है, इसका एक पैकेट है जिसमें इसका स्पॉन्ज है एक ठो, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, और इसके अंदर एक ठो बैटरी भी था जो मेरा दोस्त इसको लगा दिया। ठीक है, ये एक स्पॉन्ज है जो माइक के साथ लगा रहता है, और ये एक जैक है, इसको DSLR के साथ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसका मुझे अभी कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब ज़रूरत होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी हटा देता हूँ, और इसको अभी खोलता हूँ। इसमें ही है आपका बोया का माइक, तो ये रहा आपका माइक।
तो ये बैग इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको फिलहाल हटा देता हूँ। और इसके अंदर क्या है, छोटा छोटा, ठीक है, तो इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ। और ये रहा बोए का माइक, ठीक है, तो मैं इसका भी सेट करता हूँ, एक मिनट। ये माइक है, इसका जो तार है ये बहुत लंबा है, मतलब कहीं पे भी आप उसको सेट करके आप यहाँ से आराम से बैठ के वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तार मतलब इतना इतना ही बड़ा है इसका, ठीक है, तो फिलहाल इसको मुझे खोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से खोल लेता हूँ इसको, जितना तक मेरा ज़रूरत है मैं उसी तक ले लेता हूँ। फिर इसको सेट करके इसको मैं तो ये मैंने इसको तार खोल दिया, तो यह है इसका लंबा सा एक तार, ठीक है, तो इसको मैंने खोल लिया। तो ये स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज को यहाँ पर लगाना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से, तो मैंने लगा दिया। ये क्लिप भी वहाँ पर था, तो ये दोस्त मेरा लगा दिया पर यहाँ पर, ठीक है, तो ये बहुत टाइट होता है, ये अगर एक बार लगा देता है तो इसको जल्दी से खोलता नहीं है, ठीक है, इस तरह से खोलता नहीं है जल्दी से, तो इसीलिए मैंने इसको खोला नहीं, क्योंकि मैं खुद जो इसको लगाऊँगा तो इसको और खोलने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पर, मोबाइल पे लगाता हूँ इस हेडफोन को खोल के, फिर देखता हूँ इसका साउंड कैसा है। तो फ्रेंड, इसका जो जैक होता है वो मैंने मोबाइल पे लगा दिया, और ये जो है तो इसको मैंने खोल देता हूँ, और ये जो है इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ क्लट में, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेट करना है, और अभी जितने भी वीडियो आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑन ऑफ का कुछ स्विच भी है, यहाँ पर यह है इसका स्विच, ठीक है, तो ये नॉर्मली नीचे में रहता है, ठीक है, तो नीचे पर रहेगा तो इसका मोबाइल पे जो है इसका साउंड जो फिट हो जाती है, ठीक है, तो इसको मैंने नीचे में सेट कर लिया। और फ्रेंड्स, ये जो बोया का जो माइक होता है, इसका क्वालिटी जो होता है, साउंड क्वालिटी जो होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है, हर यूट्यूबर इसी बोया का माइक को यूज़ करता है। और इसका जो प्राइस है ये 800 रुपया है, बहुत ही कम प्राइस में इतना अच्छा एक माइक मिलता है। इसके तार जो है बहुत ही लंबा है, इसको आप कहीं से भी मोबाइल पर मोबाइल को रख के आप अपना वीडियो को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारा जो यूट्यूबर है इस जो DSLR से जो बनाते हैं, DSLR को दूर में रख देता है, उसको थोड़ा सा जूम करके और सेट कर लेता है, इसका तार जो है बहुत ही लंबा है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरा, इस वजह से मुझे इस माइक को परचेज़ करना पड़ा। तो आप लोग को भी अगर लेना है तो ये बोया का माइक ही लेना, क्योंकि ये बोया का माइक ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, मुझे ये यही बेस्ट लगता है, ठीक है, और किसको क्या अच्छा लगता है मुझे मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ बोया का ही बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैंने बोया का ही परचेज़ किया। और काफ़ी सारे बंदा से मैंने पूछा भी था, तो सब कहा था कि बोया का माइक ही बेस्ट है, क्योंकि पहले मैं इसको यूज़ किया भी हूँ, तो इसका जो साउंड क्वालिटी होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो और कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहता, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ऐसे भी वीडियो आपका 8 मिनट का हो भी गया है, ठीक है, तो वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो नई नई वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।